आपकी दोस्त डॉक्टर अनका गुप्ता। अब हम सीखेंगे कपल योगा। कपल योगा करने के लिए देखिए, अभी हमने कुछ आसन हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमको आहार लेना चाहिए और हमारे को किस प्रकार से अपने विचार रखना चाहिए। सब किस प्रकार से हमारा, यदि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रही तो हमारे बेबी पर भी उसका असर पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा था कि जो एक माँ है उसी का ही कर्तव्य था कि उसी की एक डेली रूटीन होना चाहिए, उसका आहार होना चाहिए, उसका विहार होना चाहिए, जिससे कि बेबी अच्छा हो। लेकिन अभी जो नई रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जिस प्रकार का पिता का व्यवहार रहता है उसी प्रकार का, मतलब समझ लीजिए जो पिता का दिनचर्या है, जिस प्रकार की दिनचर्या, उसका प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु के पर पड़ता है, माता के गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, माता के आसपास के जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, और जैसा माता खाती पीती है उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए यदि हम माता को सही वातावरण देना चाहते हैं उसके लिए पिता का भी उसमें पूरा पूरा योगदान होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसके लिए अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कपल योगा। तो कपल योगा के लिए क्या होगा कि जो आपका बेबी है वो आध्यात्म की ओर उन्मुक्त तो होगा ही, उसकी बॉडी एकदम पवित्र बनेगी, उसकी आत्मा पवित्र बनेगी, साथ में वो बहुत ज़्यादा संस्कारी होगा। और क्योंकि माता पिता का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो गर्भस्थ शिशु पर भी जाएगा, तो बच्चे का जो गर्भस्थ शिशु है उसका मानसिक विकास तो होगा ही, साथ में उसका शारीरिक विकास भी होगा और उसकी आत्मिक उन्नति भी होगी। इस प्रकार से एक हम अच्छी और सुसंस्कारवान जो संतान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं आज से कपल योगा। उसको आप बिल्कुल देखते रहिए और निरंतर देखते रहिए, जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये आसन हमारा कितना उपयोगी है। हम आसन करेंगे, साथ में हम मेडिटेशन भी करेंगे, साथ में हम मुद्राओं का भी अभ्यास करेंगे, जिससे कि जो है डिलीवरी है बहुत ही नेचुरल तरीके से होगी और माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। उसकी सीरीज है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमस्कार।